एनपीआर, एनपीआर होता है अपना नंबर ऑफ पीरियड। ये हम लोग एनपीआर बहुत बार हम लोग दे चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे कि क्या होता है एनपीईआर, नंबर ऑफ पीरियड। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आने के बाद मैं एनपीआर पे जैसे ही क्लिक किया, देखो क्या बोलता है रेट। मैं लेता हूँ मान लो 2% का रेट, मैं बोला 2% का अपना रेट रहेगा। PMT मतलब क्या होता है, देखो पेमेंट ईच मंथ, हम लोग कितना रुपए जमा कर रहे हैं, मैं बताऊँ 2000 रुपए मैं हर महीने जमा कर रहा हूँ, ठीक है। पीबी प्रेजेंट वैल्यू, मैं बोलता हूँ प्रेजेंट वैल्यू के पास 1,20,000 रुपए, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको काम करते कम रखते हैं 12,000 रुपए, हम लोग बोलते हैं फ्यूचर में हो जाएगा 1,02,00,000, 2,00,000। टाइप या तो 0 या तो 1, और यहाँ पे क्या होगा, तो आगे अपना न मिरर, तो आज हम लोग कुछ ना कुछ गलती किए होंगे। रेट 2%, पीएमटी 2000, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू ऑप्शनल है तो उसे छोड़ देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू मेरे मतलब नहीं कोई प्रेडिक्ट नहीं होगा। देखो कितना निकल के आ गया अपना 5.72992918, लगभग 6 महीने का अपना क्या लगेगा, टाइम लगेगा उसका कहना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है, उससे हम लोग बना सकते हैं। पीएमटी हम लोग पढ़े हैं क्या पहले कहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप पीएमटी समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। पीएमटी पे मैं, अरे यार आप पीएमटी पढ़े ही नहीं हो, अभी हम लोग इसमें पीएमटी, हम लोग एक काम करते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं फ्यूचर, देखो फ्यूचर वैल्यू पे मैं क्लिक किया, रेट मैं रेट लेता हूँ 2%, सबको मैं बना लेता हूँ, अभी बहुत मजा आएगा समझने में। देखो मैं रेट ले लिया 2%, ठीक है। एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ बाउंड लेता हूँ, मैं नंबर ऑफ पीरियड लेता हूँ मान लो यहाँ पे 24 लेते हैं, ठीक है 24, और उसके बाद बाकी को छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे आया मैं फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पे आने के बाद मैं फ्यूचर वैल्यू पे जाता हूँ, अपना एफडी लिख दिया, रेट तो रेट हमारा था 2%, ठीक है। एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड कितना है 24, ठीक है। पीएमटी मतलब कि पर मंथ कितना जमा कर रहे हैं, पर मंथ कितना जमा कर रहा हूँ 2000। पीवी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो प्रेजेंट वैल्यू में कर लिया मान लो 20,000, कितना क्या हूँ, टाइप में कर लिया 0 या 1। एक चीज गौर करो, जैसे हम लोग 24 दिए है ना, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू निकल के आ गया क्या, ठीक है। अब मजेदार चीज अब होगा, अब देखो मैं निकालता हूँ क्या, जो भी हम लोग निकाल रहे थे उसका नाम क्या था, एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। अब देखो रेट, रेट सेम रहेगा 2% ही, यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया 2% पे। पीएमटी हम लोग पर मंथ कितना जमा कर रहे थे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू कितना किया, एफपी फ्यूचर वैल्यू मुझे पता है क्या निकाला, जो ऑफिस मंथ पीरियड जस्ट निकालो, ये है क्या, टाइप पे क्या दूंगा, देखो मंथ निकल के आ गया क्या 24 निकाल के, और अगर एक्चुअल में कितना लगा था 24 मंथ, तो आपको अब अपना दिमाग का थोड़ा दौड़ाना है कि कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखो फ्यूचर वैल्यू जब प्रिडिक्ट कर लिया, तो ऑफकोर्स मैं उससे उसका नंबर ऑफ पीरियड भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीरियड अपने निकल गए, फाइनेंशियल में फिर आते हैं हम लोग नंबर ऑफ पीरियड के बाद। एनबीपी, ये भी क्या होता है, रिटर्न द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट एंड अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो आज आप एनबीपी पे करते हैं, रेट मैं बोलता हूँ 2%, वैल्यू, वैल्यू में आपको वैल्यूज पास करते हैं जो आपने पर मंथ पेमेंट किए हैं, तो मेरे पास यही वैल्यू, मैं इसी वैल्यू को ही पास करता हूँ जो था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो ये मेरा देखो निकल के आ गया डिस्काउंट रेट, जो कि कितना है 9,264.73 है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पर रेट 2 था, रेट को अगर 1 करूंगा तो ये वैल्यू और कम हो जाएगा, देखो हो गया क्या 8,000, और जैसे ही मैं इसको रेट को यहाँ से 0 कर दूंगा, पता नहीं रेट 0 होगा कि नहीं, करके देखते हैं शायद इधर ना आ जाए। चलो हो गया, देखो कितना निकला 8,500, जरा इसमें जोड़ो तो 45 आप लोग लगाते हैं सम, इक्वल टू मैं करता हूँ यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है क्या है, SUM सम, और इसके बाद ऐसे पकड़ के इसको यहाँ से खींच लो ऐसे, नहीं अभी नहीं खींचते हैं सम, फिर यहाँ पे इसे ओपन करो तो पैकेट को, अब देखो नंबर 1, 2, 3 तो इतना को पास किया, और यहाँ से एक नंबर और है जो कि ये, इसे भी क्या कर देता हूँ मैं पास, पहले इतना कोई पास कर, इतना आ गया अपना 46,500, इसमें 8,500 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा,
500 इसी में जोड़ दो, 47,000 हो गया, और 47 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो गया। 55,000 अगर मैं ब्याज जीरो कर दूंगा तो नेट 55,000 ही मेरा निकल के आएगा। ठीक, इसको मैं कर